हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ डी शर्मा आई वेलकम यू ऑल इन द सेकंड वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप द फर्स्ट लेसन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड ट्वेल्थ गुजरात बोर्ड फ्रेंड्स इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज ऑन द वेरी फर्स्ट डे फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और इजी वे में वीडियोस लेकर आ सकें फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप

सिर्फ उतने ही सम्स आपको सॉल्व करने हैं लॉन्ग सम्स इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाते सो so, यहाँ हमें सिर्फ शॉर्ट सम्स सीखने हैं तो टोटल इलेवन शॉर्ट सम्स आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन इलेवन शॉर्ट सम्स को मैंने छः कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उन्हीं को मैंने मेथड्स ऑफ सम्स नाम दिया है तो so, वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे द फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से रिलेटेड सम्स आपको पूछे जाते हैं तो इस टाइप के दो सम्स तो टेक्स्ट बुक में हैं जिसे मैंने ए और बी नाम दिया हुआ है ए में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है तो उसके क्या रूल्स हैं वो अभी हम आगे देखेंगे और दूसरा है रेक्टिफिकेशन एंट्री इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स इज़ मिस्ड आउट टू कैलकुलेट एंड फाइनल अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड यानी हमने पूरा फाइनल अकाउंट तैयार कर दिया हो और बाद में हमें पता चले कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना भूल गए हैं तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री देना सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर भी आपको उसी टाइप के दो मेथड्स देखने को मिलेंगी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सेकंड में रेक्टिफिकेशन एंट्री इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट टू चार्ज एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सेम तो जो हमने ड्राइंग्स में दो मेथड देखी थी वही दो मेथड्स आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी देखने को मिलेंगी थर्ड मेथड है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट का रेशियो कुछ अलग होता है और हम उसे गलती से दूसरे रेशियो में डिवाइड कर देते हैं तो उसे सुधारने की रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला सम देन फोर्थ मेथड इज कमीशन ऑफ मैनेजर आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन तो so फ्रेंड्स जब मैं आपको ये मेथड सिखाऊंगा उस वक्त इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा देन फिफ्थ वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय बैलेंसिंग पी एन एल रेशियो यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को एडजस्ट करके या बैलेंस करने के बाद प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करना है एंड लास्ट मेथड गारंटी टू पार्टनर तो फ्रेंड्स इस मेथड के बारे में भी मैं आपको तब बताऊंगा जब ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा सो इट्स माई सजेशन टू यू फ्रेंड्स नोट डाउन ऑल दीज मैथड्स हम वन बाई वन एक एक मैथड सीखते चलेंगे और एक एक मैथड के हिसाब से मैं आपको एक्सरसाइज के सम्स भी कराता चलूंगा तो हम हमारी पहली मेथड देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और जैसा कि हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में uh, दो टाइप्स हैं तो उसका जो फर्स्ट टाइप है वो आज हम सीखेंगे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है ये तो हम इलेवंथ में भी फाइनल अकाउंट करते टाइम हमने कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा सो द फर्स्ट रूल इफ अ पार्टनर विड्रॉज एन आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ देन सेवेंटी एट मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे सेवेंटी एट मंथ्स हमने तो सुना है कि पूरे साल में केवल ट्वेल्व मंथ्स होते हैं यहाँ पर सेवेंटी एट मंथ्स कहाँ से आए तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 78 एट मंथ्स आए कहाँ से तो चलिए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अ पार्टनर विड्रॉज ड्रॉज रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन अप टू 31 मार्च 2019 कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10 परसेंट इंटरेस्ट रेट पी ए मीन्स पर एन यानी वार्षिक ईयरली जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 परसेंट है तो फ्रेंड्स अगर किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को ये सम सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वो फटाफट 1200 ये मंथली ड्राइंग है तो उसे ईयरली इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए वो पहले ही से 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल ड्राइंग बनाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इंटू ट्वेल्व मीन्स फोर्टीन और फिर उसका टेन परसेंट यानी वन फोर फोर जीरो निकल कर बता देगा बट यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है आप देखिए यहां पर क्या कहा गया है अ पार्टनर विदड्रॉ ट्वेल्व हंड्रेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी फर्स्ट अप्रैल 2018 से वो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज वि स्टार्ट करता है और इकतीस मार्च तक हर महीने की शुरुआत में या हम ये कहें कि हर महीने की पहली तारीख को वो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज वि करता है तो फ्रेंड्स उसने एक साथ चौदह हज़ार चार सौ का ड्राइंग्स नहीं किया है उसने ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड करके बारह बार ड्राइंग किया है तो जो विड्रॉ उसने फर्स्ट अप्रैल 2018 को किया है तो इस ड्राइंग को उसने पूरे साल यूज़ किया होगा यानी फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। यानी इस 1200 के ऊपर आप पूरे साल का ब्याज ले सकते हैं लेकिन अगले महीने यानी कि फर्स्ट मे को वो फिर से जब बारह सौ रुपये का ड्राइंग्स करता है तो इस ड्राइंग को वो सिर्फ ग्यारह महीने ही यूज़ कर पाता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट मे को उसने जो विदड्रॉ किया है तो मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फेबरवरी मार्च तो टोटल इलेवन मंथ्स होते हैं तो जब वो ट्वेल्व हंड्रेड को 11 मंथ्स ही यूज़ कर रहा है तो वो आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों देगा और अगर और नेक्स्ट मंथ की मैं बात करूं तो 1200 वो फर्स्ट जून को भी विदड्रॉ करेगा तो जो पैसा वो जून में विड्रॉ कर रहा है उसके लिए वो आपको अप्रैल से मार्च तक का इंटरेस्ट क्यों देगा वो आपको जून से मार्च तक का देगा ना तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट अप्रैल 2018 को वो जो विदड्रॉ करता है उसको वो यूज़ करता है थर्टी मार्च टू तक तो अप्रैल टू मार्च आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स आएंगे नेक्स्ट विड्रॉ वो करता है फर्स्ट मे 2018 को जिसे वो थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 तक यूज करता है मतलब मे टू मार्च इलेवन मंथ्स होंगे देन फर्स्ट जून 18 को जो विड्रॉ करता है तो इकतीस मार्च तक दस महीने होंगे जुलाई में जो ड्राइंग करेगा उसका 31 मार्च तक 9 महीने होंगे अगस्त में जो विड्रॉ करता है उसके लिए 8 महीने होंगे सितंबर में जो विड्रॉ करता है उसके लिए 7 महीने होंगे इन द सेम वे अक्टूबर में जो ड्राइंग करता है अप टू 31 मार्च 6 महीने होंगे नवंबर में जो ड्राइंग करता है अप टू 31 मार्च 5 मंथ्स होंगे फर्स्ट दिसंबर को जो ड्राइंग करता है अप टू थर्टी मार्च चार महीने होंगे एक जनवरी को जो करता है तो आप काउंट कर सकते हैं जनवरी फेब्रुवरी मार्च तो सिर्फ तीन महीने होंगे फेब्रुवरी में फर्स्ट डेट को जो विड्रॉ करता है तो फेब्रुवरी और मार्च सिर्फ दो महीने का आएगा और फर्स्ट मार्च को जो ड्राइंग करता है तो वो 31 मार्च को उसका इंटरेस्ट पे कर देता है यानी सिर्फ एक महीना ही उसने यूज़ किया तो टेक्निकली आपको 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा यानी कि 1200 हंड्रेड इंटू टेन परसेंट इंटू ट्वेल्व अपॉइन्ट ट्वेल्व देन 1200 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू एलेवन अपॉइंट ट्वेल्व इस तरीके से फिर 10 अपॉइंट ट्वेल्व नाइन अपॉइंट ट्वेल्व यानी आपको 12 बार कैलकुलेशन करनी है और फिर उन सब का टोटल आपको करना है तो फ्रेंड्स क्या हमारे पास इतना टाइम होगा एक तीन मार्क के सम के लिए हम आधा घंटा वेस्ट करेंगे जी नहीं इसीलिए इसका शॉर्टकट निकाला गया है तो आप देख सकते हैं 12 मंथ से लेकर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, फोर थ्री टू वन अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो मुझे टोटल 78 मिलता है तो इसीलिए हमारा रूल है कि इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज एन आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हर महीने वो यूनिफॉर्म अमाउंट यानी कि सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो ही आप ये रूल लगा सकते हैं अगर वो हर महीने अलग अलग अमाउंट उठाते हैं तो तो फिर आपको बारा बार कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पर अमाउंट आइडेंटिकल है इसीलिए हम डायरेक्टली इस फार्मूला की हेल्प से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मंथली ड्राॅइंग बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हमें मंथली ड्रॉइंग यूज़ करना है एनुअल ड्रॉइंग यूज़ नहीं करना है इन गिवन परसेंटेज और इन टू सेवेंटी एट अपॉन्ट ट्वेल्व आप करेंगे तो सिर्फ एक ही स्टेप में आपको उस इतनी बड़ी कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको सिर्फ एक ही स्टेप में मिल जाएगा सेकेंड रोल इफ अ पार्टनर विड्रॉज एन आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म अमाउंट एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ देन 72 टू मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा यहां पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अ पार्टनर विड ड्रॉज ट्वेल्व हंड्रेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फाइंड एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो यहाँ पर भी वो हर महीने के मिडल में यानी कि पंद्रह या सोलह तारीख को हर महीने सेम अमाउंट ट्वेल्व हंड्रेड विदड्रॉ करता है तो फ्रेंड्स उसने जो पहला ड्राॅइंग्स किया होगा वो सपोज़ सोलह अप्रैल को किया होगा तो सोलह अप्रैल से लेकर इकत्तीस मार्च तक साढ़े ग्यारह महीने होते हैं यानी इलेवन पॉइंट फाइव मंथ्स होते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने फिफ्टीन डेज माइनस कर दिए हैं तो फिफ्टीन डेज़ का मतलब होता है हाफ मंथ तो अगर ये फर्स्ट अप्रैल होता तो फर्स्ट अप्रैल से इकतीस मार्च तक हम ट्वेल्व मंथ्स लेने वाले थे तो हाफ मंथ यहाँ से माइनस हो गया है तो हम जीरो पॉइंट फाइव इसमें से माइनस कर देंगे फिर अगली बार मई मंथ में आप देखेंगे तो टेन पॉइंट फाइव आएगा फिर नाइन पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव ऐसा करते करते हम जीरो पॉइंट फाइव तक हम पहुँचेंगे और जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें 72 मिलेगा तो यही हमारा सेकंड रूल है फ्रेंड्स मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 72 अपॉन टू ट्वेल्व एंड द लास्ट रूल इफ अ पार्टनर विड्रॉज एन आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ देन 66 सिक्स मंथ्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रेंड्स ये आप समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ मतलब अप्रैल महीने के एंड में यानी थर्टी अप्रैल टू थाउजेंड एटीन को सपोज वो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ विड्रॉ करता है तो उसको अप्रैल महीने का तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि तीस अप्रैल को जो विड्रॉ कर रहा है तो अप्रैल महीना तो ख़त्म ही हो गया तो इस ट्वेल्व हंड्रेड के लिए फर्स्ट मे से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक यानी कि एलेवन मंथ्स का रेट उसे लगेगा तो ऐसे ही इलेवन के बाद टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और लास्ट में जो थर्टी फर्स्ट मार्च को वो जो विड्रॉ कर रहा है उसका इंटरेस्ट उसको नेक्स्ट ईयर लगेगा क्योंकि थर्टी फर्स्ट मार्च तो आखिरी दिन होता है उस दिन उसने जो विड्रॉ किया है उस अमाउंट पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो लास्ट में जीरो तो इलेवन प्लस टेन प्लस नाइन प्लस एट प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स आपको मिलेगा तो यहां पर भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी सिक्स अपॉन ट्वेल्व आपको मैं बार बार एक चीज़ पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूं फ्रेंड्स आपको यहां पर मंथली ड्राइंग्स लेना है एनुअल ड्राइंग्स अगर आपको क्वेश्चन में दी हो तो आपको उसे ट्वेल्व से डिवाइड करके मंथली ड्राइंग बनाना है उसके बाद ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक मोस्ट आईएमपी नोट्स फ्रेंड्स ये नोट्स आपको सम्स uh, करने में बहुत यूज़फुल होने वाली है तो इसे आप ध्यान से समझिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर फ्रेंड्स ड्राइंग्स वो पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे लेता है उसे हम कहेंगे तो जब वो पैसे वापस रखता है या जब वो पैसे रिफंड करता है उस वक्त जो भी इंटरेस्ट वो पे करता है तो वो अपने पास से पे करता है यानी ये पार्टनर का एक्सपेंस है और वो पैसा फॉर्म में आने वाला है तो वो फॉर्म की इनकम है तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो तीन रूल्स देखे उसके रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे तो इलेस्ट्रेशन वन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हीरल विड्रॉज रुपीज फाइव हंड्रेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बिगिनिंग है तो हमारा बिगिनिंग का रूल था 78 एट मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज होगा इफ़ 10 परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राॅइंग्स डिटरमाइन द एनुअल ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक तो आपको एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड करना है जो कि कोई डिफिकल्ट नहीं है आप पर मंथ अगर 500 हंड्रेड करते हैं तो एनुअल ड्रॉइंग निकालने के लिए 500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एनुअल ड्राॅइंग्स वो रुपीज सिक्स आ जाएगा और उसके बाद इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट के लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने समझाया था मंथली ड्राइंग जो हमें डायरेक्टली सब में दी हुई है फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइड बाय सेवेंटी एट अपॉन ट्वेल्व तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर पर भी हम इसे सॉल्व करते हैं आपका मंथली ड्राॅइंग्स था फाइव हंड्रेड उसका आपको टेन परसेंट लेना है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं इन टू फिर डिवाइडेड बाय हंड्रेड तब जाकर वो 10% टेन परसेंट निकाल पाते हैं फ्रेंड्स ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है आप ऐसा कर सकते हैं फाइव हंड्रेड इंटू टेन फिर सीधा परसेंटेज का साइन प्रेस कर दीजिए आपका टेन परसेंट हो गया अब मल्टीप्लाइड बाय सेवेंटी एट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व जब आप करते हैं आपका रिजल्ट आ जाता है रुपीस थ्री ट्वेंटी फाइव तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है रुपीस थ्री ट्वेंटी फाइव ना एक्सरसाइज सम नंबर वन अ पार्टनर विथड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंड ऑफ ईच मंथ बोला है मतलब सिक्सटी सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर पे करना रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राॅइंग यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सब में मंथली ड्राॅइंग नहीं दिया गया है आपको एनुअल ड्राॅइंग दिया है तो आप एनुअल ड्राॅइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते आपको इसे पहले मंथली ड्राइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 12 परसेंट पर एन इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर तो फ्रेंड्स पहले आपको एनुअल ड्राइंग 12,000 दिया गया है अगर आपने इस पर कैलकुलेशन कर दिया तो उस रॉन्ग हो जाएगा तो पहले हम इसे मंथली ड्रॉइंग बनाएंगे तो अगर एनुअल ड्रॉइंग यानी बारह महीने के बारह तो एक महीने का एक हुआ आप इसे ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे आपको 1000 मंथली ड्राइंग मिलेगा और उसके बाद हमारे फार्मूला के हिसाब से मंथली ड्राइंग देन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन 66 सिक्स अपॉन ट्वेल्व यानी यहाँ पर भी आपको 1000 थाउजेंड इंटू के बाद परसेंटेज का साइन प्रेस करना है फिर इंटू सिक्सटी सिक्स अपॉन ट्वेल्व आप करेंगे तो आपको 660 आपका आंसर आ जाएगा सो फ्रेंड्स वी स्टॉप हेयर टूडे आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मैथड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में टिल देन कीप स्टडी एंड एट होम गुड बाय